अस्सलाम वालेकुम वेज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आपको मैं जो गाड़ी दिखाने लगा हूँ, मेरे पीछे आप चेकआउट कर सकते हो, ये है भाई निसान की रॉक्स। क्या मज़ेदार किस्म की गाड़ी है और भाई फुल ऑन ऑप्शन है। आप हेडलैम्प देख लो, आप इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ देख लो भाई, सब टॉप नॉच है। सारी की सारी चीज़ें आपको इस निसान में मिलने वाली हैं। चेकआउट करते हैं क्या क्या फीचर मौजूद है, क्या सीन है इस गाड़ी का। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार ये आप चेकआउट कर सकते हो निसान रॉक्स, क्या मज़ेदार किस्म की गाड़ी है यार। स्टार्ट करते हैं जरा फ्रंट से, चेकआउट करते हैं भाई क्या क्या फीचर मौजूद हैं इस गाड़ी में। सबसे पहले आप इसका फ्रंट चेकआउट कर सकते हो, बड़ा खूबसूरत किस्म का, बड़ा एलिगेंट किस्म का फ्रंट है इस गाड़ी का। हेडलैम्प की तरफ आएँ तो सबसे पहले भाई आप ऊपर डीआरएल मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें मौजूद है। और रात के टाइम भाई ब्राइटनेस भी इसकी बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी मिलने वाली है। इसकी सेंट्रल ग्रिल की तरफ आते हैं तो यार बड़ी खूबसूरत किस्म की ग्रिल दी गई है। डायमंड कट पैटर्न यूज़ किया गया जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। सेंटर में आपको निसान का लोगो मिल जाएगा जो कि क्रोम में मौजूद है, बाकी पियानो ब्लैक में इसकी ग्रिल दी गई है। उसके सराउंड पे आपको ये क्रोम की गार्निशिंग दी गई है जो कि इसकी लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव करी है। फ्रंट पे पार्किंग सेंसर मौजूद है। और यहाँ पे आ जाए तो भाई आपको साइड टर्न सिग्नल मिलेगा, साइड टर्न सिग्नल के साउंड पे भी आपको ये डीआरएल दी गई है। नीचे फॉग लैम्प मौजूद है और पियानो ब्लैक में क्या खूबसूरत चस्क आ रही है भैया। उसके साथ नीचे आप इसकी रेडिएटर ग्रिल चेकआउट कर सकते हो, मैट ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है। इस तरफ से भी थोड़ी सी मैं आपको लुक चेकआउट करा देता हूँ। यार बड़ी खूबसूरत किस्म की लुक है इस गाड़ी की, लेवल यार बड़ी खूबसूरत है। अब चलते हैं जरा इसके साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड प्रोफाइल पे देखते हैं क्या क्या मौजूद है भाई। ये आप इसकी साइड प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले अलॉय व्हील्स बड़े खूबसूरत लग रहे हैं गाड़ी पे, जो कि आप देख ही सकते हो डुअल टोन के साथ हैं यार। और योकोहामा के टायर्स के साथ आपको मिलने वाले हैं अलॉय व्हील्स, डुअल टोन पियानो ब्लैक प्लस आपको एल्युमिनियम फिनिश दी गई है। और ये 14 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि अगेन बड़ी अच्छी चीज़ है। एस हाइब्रिड की आपको मतलब बैजिंग मेरी है, मतलब सेमी हाइब्रिड है ये गाड़ी। और ये आप इसके क्रैक्टर लाइन देख सकते हो जो कि अगेन इसके रियर डोर की तरफ जा रही है भाई। इधर आते हैं भाई, यहाँ पे आपको इसका ओआरवीएम मिल जाएगा साइड टर्न सिग्नल के साथ। तो भाई ये आप देख सकते हो, आपको फ्रंट डोर और रियर डोर दोनों साथ साथ मिल रहे हैं। रियर क्योंकि स्लाइडिंग डोर है इसका, इसलिए आपको यहाँ पे इसका डोर हैंडल दिया गया। स्मार्ट एंट्री सिस्टम इसके डोर के मौजूद है। डोर ओपन करते हैं यार, पहले तो सबसे मजे की चीज भाई आप देखो कितना वाइड डोर ओपन होता है, मतलब एंट्री और एग्जिट काफी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आते हैं भाई, आपको डोर ओपन मिल जाएगा, क्रोम में आप चेकआउट कर सकते हो, पावर विंडोज मिल जाएंगी, उसके साथ साथ रिट्रैक्टेबल ओआरवीएम के कंट्रोल है। नीचे आते हैं तो आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर, साथ आपको मिलेगा स्पीकर। और बाकी अब तो आप चेकआउट कर सकते हो भाई कुछ इस गाड़ी का इंटीरियर, जो कि यार बड़ा खूबसूरत किस्म का इंटीरियर, फुल ब्लैकआउट है जो कि बड़ा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। सीट की तरफ आते हैं भाई, आप इसकी सीट भी देख सकते हो, प्रॉपर आपको फैब्रिक की सीट्स दी गई हैं और आपको मैनुअल एडजस्टमेंट भी इसमें दी गई है। अंदर बैठेंगे तो प्रॉपर देखेंगे फ्रंट, प्रॉपर आपको सोफा सीट्स मिल जाएंगी। बंद करते हैं जरा इसके भाई फ्रंट डोर को, रियर डोर की तरफ आते हैं और आपको जरा ये बटन प्रेस करेंगे तो भाई आपका जो रियर डोर है वो ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक डोर इसमें मौजूद है, स्लाइडिंग डोर है जो कि यार बड़े मजे की चीज़ है। और अंदर आपको स्पेस भी बड़ी कमाल की मिलने वाली है, आप चेकआउट कर सकते हो भाई साहब। अंदर बाद में जाएंगे, पहले आपको मैं ज़रा इसकी की दिखा दूँ। की से ही भाई आप ऑपरेट कर सकते हो ईजिली, ये आप देख सकते हो कुछ इसकी की। लॉक अनलॉक का फंक्शन है, ऊपर आपको निसान का लोगो मिलेगा। और यहाँ से भाई कुछ आप इसके डोर को भी ओपन या क्लोज कर सकते हो। अभी आप देखना, मैं इसको प्रेस करके रखूँगा, बस ये भाई इसका जो डोर है वो बंद हो गया। यार क्या कमाल की चीज़ है, ज़बरदस्त। अब आते हैं ज़रा रियर, ये क्वार्टर विंडो जो दी गई है बड़ी मज़े की लग रही है और इससे ज़रा आपका अंदर जो रोशनी वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी मतलब मज़े की चीज़ है यार। बाकी नीचे आते हैं भाई, इसका स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, उसके साथ साथ आपको नीचे मिलेंगे 14 इंच के अलॉय व्हील्स। अब आते हैं ज़रा इसकी रियर लुक की तरफ, यार क्या खूबसूरत किस्म की रियर लुक है, ओए होए होए कमाल कमाल। सबसे पहले जो खूबसूरत चीज़ आपको रियर मिलने वाली है वो है इसके टेल लैम्प। यार क्या खूबसूरत किस्म के टेल लैम्प आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, कमाल किस्म के यार। और ये प्रॉपर एलईडी बेस्ड आपको टेल लैम्प इसमें दिए गए हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म के प्रॉपर क्रिस्टल में दिए गए जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। क्रोम की गार्निशिंग अगेन रियर पे ही मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। नीचे आपको हाईवे स्टार की बैजिंग मिल जाएगी, उसके साथ आपको एस आई बेट की बैजिंग दी गई है। और सेंटर में तलहा मोटर जहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं इस गाड़ी की। और यहाँ पर आपको रॉक्स की बैजिंग मिल जाएगी जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरफ से भी आपको थोड़ी सी मैं लुक चेकआउट करा देता हूँ। यार क्या खूबसूरत गाड़ी लग रही है और ये जो इसका डिफ्यूज़र है वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं प्रॉपर। और हम ज़रा ओपन कर लेते हैं इसके ट्रंक को और हम देख लेते हैं भाई ट्रंक पे क्या सीन है। यार काफ़ी बड़े साइज़ का भाई ट्रंक के ज़रा पीछे होना पड़ता है। ये आप चेकआउट कर सकते हो यार, आपको रियर पे इतनी ज़्यादा स्पेस मिलने के बावजूद भी आपको जो ट्रंक में स्पेस दी गई है बहुत ही ज़्यादा एम्पल स्पेस आपको मिलने वाली है ट्रंक में। और मज़े की चीज़, आप इन सीट्स को ईजीली
अपनी मर्जी के मुताबिक पीछे भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने फुल पीछे कर दी तो आपकी जो स्पेस है रियर पे बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। पहले बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे थी, अब मैंने और सीट को पीछे कर दिया जो कि अगेन यार मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ से जो मैकेनिज्म है, आप रिक्लाइन करना चाहते हो तो आपको एंड पे वो हेज दिया गया, आप इजीली रिक्लाइन भी कर सकते हो। मतलब कि भाई कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसकी सीट्स में मौजूद ना हो, आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप आगे पीछे करना चाहते हो वो भी आप इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे भी आपको स्पेस वगैरह अच्छी मिल जाएगी, स्पेयर व्हील तो ऐसी बात इसमें नहीं होने वाला। ठीक है, आपको टूल किट वगैरह मिलेगी इसमें। ठीक है, बंद कर देते हैं भाई। ट्रंक में भी आप देखो प्रॉपर आपको इनमदा वगैरह मिलेगा जो कि बहुत अगेन अच्छी चीज़ है। रियर व्यू कैमरा मौजूद है और ये निसान का लोगो आप चेकआउट कर सकते हो। यार क्या खूबसूरत किस्म की गाड़ी है, लेवल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा इंटीरियर में और सबसे पहले हम ज़रा फ्रंट सीट भी चेकआउट करते हैं वो कैसी हैं और इंटीरियर के फीचर भी देखते हैं। उसके बाद हम रियर पे बैठेंगे और रियर भी आपको बताएंगे कि रियर पे स्पेस कैसी आपको मिलने वाली है। डन हो गया भाई, आ चुके हैं हम निसान रॉक्स के इंटीरियर में। क्या मज़ेदार किस्म का इंटीरियर है यार इस गाड़ी का, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है। फुल ब्लैकआउट, एक अलग ही चस्क आ रहा है। ठीक हो गया, की हमने रख दिया वहाँ पे, यहाँ पे मौजूद है पुश स्टार्ट। और ज़रा इसका मीटर ऑन कर लेते हैं, आपको ज़रा मीटर ऑन करके इसकी लुक दिखा देते हैं। यार क्या खूबसूरत किस्म का मीटर है, आप लुक चेकआउट कर सकते हो। 140 की आपको मिलेगी टॉप स्पीड, आज़ा आपको मिलेगा RPM और सेंटर में आपको मिलेगी स्क्रीन जिसमें आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी दिखा रहे कि भाई ब्रेक ते रखो, पैर ते भाई कर लो गाड़ी में स्टार्ट, अभी हमने फिलहाल गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया हुआ। उसके साथ अभी आपको दिखा रहे कि भाई गाड़ी कितनी चल चुकी है, 11,103 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। उसके साथ अभी आपको दिखा रहे गाड़ी पार्किंग पे है, फ्यूल इंडिकेशन आपको दे रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर दे रहा है, टाइम की शो करवा रहा है, मतलब मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और ये ब्लू हाईलाइट्स बड़े खूबसूरत लग रहे हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इधर आते हैं, आपको हेडलाइट के कंट्रोल, दूसरा वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाने वाले हैं। एसी वेंट का आप डिजाइन भी देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत किस्म का आपको इसके एसी वेंट का डिजाइन मिलने वाला है। इधर आपको ट्यूडर मिल जाएंगे, उसके साथ का कप होल्डर आपको यहां पे दिए गए छुपे, आप चेकआउट कर सकते हो भाई साहब। उसके साथ साथ सेंटर की तरफ आते हैं, उससे पहले हम जरा कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट कि भाई थोड़ा सा एसी को हम चला लें। भाई गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, ओए होए पूरा वेलकम करती है भाई आपको, मजेदार ये आप चेकआउट कर सकते हो। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और भाई यहाँ पे आ जाते हैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ। भाई डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया इस गाड़ी में, जरा चेकआउट कर लेते हैं क्या सीन है भाई। यहाँ से हम कह लेते हैं एसी को ऑन, डन हो गया। ऑटो का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ऑटो को बंद ही कर देते हैं भाई। ठीक है, और ये क्या मजे की चीज है यार, ओए ओए ओए, जैसे बंदा पियानो के साथ खेल रहा होता है। वाह जी वाह, मजेदार यार, बच्चों के लिए तो बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है, प्रॉपर टच पैनल है। ठीक है, तो ऐसे बड़े मजे यार, मुझे बड़ी चास आ रही है। वाह जी वाह, बच्चों के खेलने की बड़ी मजे की चीज है। बाकी यहाँ से आप क्लाइमेट वगैरह सेट कर सकते हो, जबरदस्त। और ये आपके प्रॉपर एसी की जो फैन है उसकी हवा को कंट्रोल कर सकते हो आप। ऑटो का ऑप्शन है फ्रंट, ये डिफॉगर, और यहाँ से आप एसी को बंद भी कर सकते हो। सेकंड पे रख देते हैं फिलहाल। और बाकी यहाँ पे आते भाई आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इधर आते भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का फंक्शन भी, जिसे हम ब्रेक होल्ड कहते हैं, वो भी आपको फंक्शन मिल जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में पैनल मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको छुपा भाई पुश स्टार्ट मिलेगा जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी, एसी वेंट आप चेकआउट कर सकते हो। सेंटर में आपको मिलेगा हेजलाइट का बटन, ऊपर इसका एंड्रॉइड पैनल मौजूद है। और यहाँ पे आ जाए तो भाई यहाँ पे आपको मिलेगा एक अदद स्लाइडिंग बॉक्स जिसमें आप चीज़ें वगैरह रख सकते हो, और नीचे ग्लव बॉक्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। उधर भी एक अदद का फोल्डर मौजूद है, और इधर आ जाए अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई भाई, यहाँ पे इसको स्लाइड करें तो भाई ये आपका इधर एक अदद कप होल्डर यहाँ पे भी बन जाता है। मतलब भाई हर जगह कप होल्डर ही कप होल्डर दिए गए। बाकी इधर नीचे आ जाए, यहाँ पे भी आपको स्पेस दी गई है, डन हो गया। उसके साथ साथ इसके स्टेयरिंग को भी हाल में हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ऊपर नीचे हो सकता है, इसका स्टेयरिंग व्हील भी जबरदस्त हो गया। ठीक है, स्टेयरिंग व्हील की तरफ आते हैं भाई, आप इसका स्टेयरिंग व्हील चेकआउट कर सकते हो। बड़े खूबसूरत कस्म का आपको इसमें स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है, निसान का लोगो, SRS एयरबैग। इधर आते हैं भाई आपको क्रूज कंट्रोल के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। इधर आते हैं वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, ठीक हो गया। और इसकी जो बेसिकली स्क्रीन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी नीचे आते हैं भाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके स्लाइडिंग डोर का ऑप्शन, उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा इको आइडल का ऑप्शन, डन हो गया। ठीक है, बाकी पावर स्टेयरिंग के तो मजे आपको पता है जबरदस्त किस्म का है। बाकी ऊपर आ जाए भाई, यहाँ पे आपको सनशाइन वेंटिमीटर दिया गया है, रियर व्यू मिरर की क्वालिटी वगैरह भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इधर आ जाए, इधर भी आपको सनशाइन वेंटिमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे बिहार में सीट बेल्ट की इंडिकेशन आपको मिल जाती है, ऊपर लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है,
ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और मजे की बात के जो रियर वाले बंदे हैं उनके लिए भी आपको कंट्रोल दिए गए एसी के, ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एसी को। बाकी एसआरएस एयरबैग मल्टीपल इसमें मौजूद है, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा मजे की चीज है। मीटर की लुक मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। ऊपर से भाई आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीजें इस गाड़ी में दी गई है। क्रूज कंट्रोल मौजूद है, इको आइडल मौजूद है, पुश स्टार्ट मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मौजूद है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। फ्रंट आपको प्रॉपर भाई सोफा सीट्स दी गई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अगेन मजे की चीज है। आर्मरेस्ट भी आपको सेंटर मिल जाएगी, अगर आप इसको नीचे कर लेते हो तो भाई आपकी आर्मरेस्ट बन जाएगी, ऊपर करते तो भाई आपकी प्रॉपर फ्रंट जो सीट है वो सोफा सीट बन जाती है। डन हो गया। बाकी ओवरऑल भाई ये है कुछ इस गाड़ी का इंटीरियर, बड़े खूबसूरत किस्म का इंटीरियर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। अब चलते हैं भाई जरा रियर पे, और रियर पे जाके चेकआउट करते हैं कि भाई रियर पे क्या सीन है, रियर की स्पेस कैसी आपको मिलने वाली है। डन हो गया भाई। रियर पे एंट्री करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बटन आपको प्रेस करना है और भाई आपका डोर खुल जाएगा। आपने बस जाना है और यहाँ पे आए हाय रिलैक्स होके इस तरह बैठ जाना है। और स्पेस आप देख सकते हो, क्या मजे की स्पेस मिलेगी। और आपको टेबल भी मिल जाएगा कप होल्डर के लिए दोनों साइड पे, जबरदस्त हो गया। और ये कर्टेंस मौजूद है, मैनुअल कर्टेंस है इसमें, ये आप देख सकते हो, जबरदस्त है, ठीक है। इधर पावर विंडो आपको मिल जाती है, ये आप चेकआउट कर सकते हो, मज़ेदार किस्म की। और यहाँ से हम जरा रियर क्लाइमेट को भी, आए हाय 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 मज़ेदार भाई, आपको रियर भी क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि बड़ी मज़े की चीज़ है। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बाकी हेड स्पेस की तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेग स्पेस भी भाई एम्पल है, अभी मैंने फ्रंट से डिक्लाइन भी की हुई है, पीछे भी की हुई है फुल, फिर भी भाई आप स्पेस देख सकते हो, क्या मज़ेदार किस्म की आपको स्पेस मिलने वाली है। स्पेस का तो कोई इशू है ही नहीं, बाकी प्रॉपर आपको हेडरेस्ट दिए गए, कप होल्डर रियर जो बैठे होंगे उनके लिए मौजूद है, स्पीकर मौजूद है। यार मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको इस गाड़ी में ना मिले। एसआरएस एयरबैग मौजूद है, सीट बेल्ट रियर पैसेंजर्स के लिए मौजूद है भाई, के मतलब कमाल है, कमाल है। मतलब इस गाड़ी में बैठ के ना आपको चस आने वाली है, रियर पे बहुत मजे की आपको स्पेस मिलने वाली है। और सीट में देख रहा हूँ बड़ी कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं यार, मजेदार किस्म की। अब चलते हैं जरा बाहर और आपको बाहर चल के बताते हैं इस गाड़ी की डिटेल। डन हो गया। चलें बस अब बात कर लेते हैं जरा इस गाड़ी की डिटेल की। ये है भाई निसान की रॉक्स हाईवे स्टार एस हाइब्रिड, मतलब भाई इसमें आपको मिलने वाली है सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपकी जो एवरेज है बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो जाती है। ये गाड़ी तकरीबन आपको 20 से 22 तक की एवरेज देती है, डिपेंड अपॉन यू, आप इससे 25 की भी एवरेज ले सकते हो अगर आप एसी ऑफ करके गाड़ी को चलाते हो ईजिली, ठीक हो गया, तो आपको ये एवरेज भी दे देगी। गाड़ी बहुत ज़्यादा मज़े की, आपको सब कुछ ही मिलता है, पार्किंग सेंसर, उसके साथ साथ आपको इसमें क्या कहते हैं क्रूज कंट्रोल मिलता है, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और उसके साथ साथ ऑटो डोर्स हैं इसके रियर वाले भाई, आप बस बटन प्रेस करना हो इसके डोर ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ये आप देख लो भाई, इस तरह आप बटन प्रेस करोगे और आपके जो स्लाइडिंग डोर हैं वो ओपन हो जाएंगे। मतलब भाई फुल ऑन ऑप्शन गाड़ी है ये, ठीक हो गया। और मॉडल कौन सा है भाई, ये है निसान रॉक्स 2022 मॉडल, 24 की इम्पोर्ट गाड़ी है। और बात कर लें इस गाड़ी की प्राइस की, तो इस गाड़ी की प्राइस आपको मिलने वाली है 38 लाख रुपीज़, 38 लाख रुपए, ठीक हो गया। जो बंदा इंटरेस्टेड है तलहा मोटर G8 में एक कार फॉर सेल भी अवेलेबल है, आप आके चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको पसंद आती है आप डील को ग्रैब कर सकते हो। बाकी वैसे उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। लेवल यार।